हाँ टेंथ क्लास, तो शुरुआत करते हैं सेट वन की सेक्शन 20 से, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के पेपर से। इसमें क्वेश्चन पेपर सेट वन के तीनों क्वेश्चंस 5, 6 और 7 आपके दे रखे हैं, और इसके आंसवर्स सेट वन के सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में इन, सेकंड में ऑन, थर्ड में बाय एंड फोर्थ में ऑफ। उसी तरह से एरर एंड करेक्शन के अंदर फर्स्ट एरर प्लेनेट, जिसका करेक्शन है प्लेनेट्स, स्टडी का स्टडीड, हेवन का हेवनली और ए का द। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉलेज एट द एज ऑफ 35। बी का आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई एबिलिटी टू स्टडी। सी का आई वॉज ग्रोन अप वुमन एंड नॉट अ कन्फ्यूज टीनेजर। एंड डी का आई रियलाइज वेरी सून दैट द टीनेजर वर बेटर देन मी। अब बात करते हैं सेट 2 के सेक्शन बी की। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो दिए गए हैं, इसके आंसवर्स आपको नेक्स्ट इस स्लाइड में। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसके आंसवर से ऑफ, फर्स्ट का, सेकंड का बिफोर, थर्ड का आर एंड फोर्थ का डी। एरर एंड करेक्शन के अंदर इसमें ए का आंसवर है डिसाइड, जिसका करेक्शन होगा डिसाइडेड। बी टेकिंग का आंसर होगा टेक। सी विच का आंसर होगा हु। और डी इन का आंसर होगा फ्रॉम। इसी प्रकार से रीअरेंजिंग ऑफ द सेंटेंस के अंदर ए का आंसर होगा अ मेजोरिटी ऑफ पीपल वियर अ वॉच दीज डेज। बी का आंसर होगा इट मेजर्स टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। सी का आंसर होगा अ रिस्ट वॉच इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस। एंड डी का आंसर होगा सम पीपल लाइक डिजिटल रिस्ट वॉचेस वाइल अदर्स प्रिफर मैकेनिकल वंस। अब सेट 3 के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आंसर वो इस स्लाइड के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए का नोज, बी का विल, सी का द, डी का कैन। एरर एंड करेक्शन के अंदर फर्स्ट एरर है रशिंग, जिसका राइट आंसर है रश्ड। बी का डिफरेंस, जिसका राइट आंसर है डिफरेंट। सी समटाइम्स, इसका राइट आंसर है समटाइम। और डी कम्स, जिसका राइट आंसर है कैम। 7th क्वेश्चन रीअरेंजिंग ऑफ द सेंटेंस। ए का राइट आंसर है आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉलेज एट द एज ऑफ 35। बी का राइट आंसर है आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई एबिलिटी टू स्टडी। सी का राइट आंसर है आई वॉज अ ग्रोन अप वुमन एंड नॉट अ कन्फ्यूज टीनेजर। डी का राइट आंसर है आई रियलाइज वेरी सून दैट द टीनेजर्स वर बेटर देन मी। इस प्रकार से ये तीनों सेट, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इनसे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, एरर एंड करेक्शन एंड रीअरेंजिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस के आंसवर्स आपके सामने थे। अब बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसवर से, क्योंकि सेक्शन सी और सेक्शन ए सब लोगों के कॉमन था, तो इनके आंसवर्स। सेक्शन सी के फर्स्ट पैराग्राफ का आंसवर जो क्वेश्चन से दिया गया है, व्हाट आर द ट्रीज ट्राइंग टू डू? आंसर इज द ट्रीज आर ट्राइंग टू मूव आउट फ्रॉम द हाउसेस इन टू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन बी, वाई वॉज द फॉरेस्ट एम्प्टी? आंसर इज द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी बिकॉज देयर वॉज नो ट्री इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन सी, ऑल दीज डेज द फॉरेस्ट रेफर टू हियर वॉज? आंसर 2 राइट है इसका, एम्प्टी। और क्वेश्चन डी, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स इज? आंसर इसका राइट है थर्ड, पर्सनिफिकेशंस। इसके ऑब्लिग में, इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा था ऑजेबल से रिलेटेड, उसका क्वेश्चन ए, हु इज यू रे यू हियर रेफर? या यू ये रेफर करता फर्स्ट फाउलर से। बी ऑजेबल वाज नेटिव ऑफ यूएस से रिलेटेड था वो। एंड सी यू बिलीव दैट ऑजेबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। एंड डी ही स्पोक फ्रेंच लाइक एन अमेरिकन।
अब बात करते हैं सेक्शन ए के पैसेज फर्स्ट की, जो अनसीन पैसेज था और जो 8 मार्क्स का आया था इससे रिलेटेड। इसके आंसर फर्स्ट, द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू मोहनजोदड़ो। बी, इन द म्यूजियम सी हैज केप्ट अमंग टेराकोटा एनिमल्स। सी, विच एन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। फोर्थ इंफॉर्मेशन जो है कि शी कैनॉट बी रीडिस्कवर्ड एज सी हैज ब्रॉन्ज, ये इसका राइट आंसर है। डी, ग्रेट आर्ट हैज पावर बिकॉज इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम। और ई, द ज्वेलरी सी वियर्स, इसका आंसर है फर्स्ट। एफ, सी रिमाइंड्स अस, इसका आंसर है सेकेंड। और जी, इसका आंसर है अमेड। और एच, इसका आंसर है ट्रू। उसी प्रकार से सेकेंड पैसेज जो दिया गया है इससे रिलेटेड आंसर है पैसेज टू का, 2.1 का ए। इसका आंसर राइट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका आंसर है वन, एडवांटेज इज दैट इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड परफेक्ट बॉन्डिंग अमंग द फैमिली मेम्बर्स, वाइल वन डिसएडवांटेज इज दैट इट मे कॉज राइजिंग टेम्पर्स एंड इंजर्ड फीलिंग्स। बी का आंसर है, इन टूडेज वर्ल्ड वॉट आर पेरेंट्स आस्किंग देयर किड्स। तो इसका आंसर है, पेरेंट्स आर आस्किंग देयर किड्स द क्विजिन्स दे प्रिफर, द मूवीज दे वॉन्ट टू सी, द हॉलीडे दे विश टू गो ऑन, एंड द सब्जेक्ट्स दे विश टू स्टडी। इस प्रकार से सी और डी के आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2, इसका फर्स्ट, द साइनोनिम ऑफ हार्ट एज गिवन इन पैराग्राफ 2 इज, आंसर है इंजर्ड। बी, द वर्ड विच मीन्स द सेम एज स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग इन पैराग्राफ 4 इज, इसका आंसर है क्विजिन। और सी, द एंटोनिम्स ऑफ एग्रीएबल एज गिवन इन पैराग्राफ 5 इज, इसका आंसर है एंटोनिम यानी विलोम शब्द, इसका आंसर है कॉन्फ्लिक्टिंग। एंड डी, द एंटोनिम ऑफ सिंपल एज गिवन इन पैराग्राफ 6, इसके अंदर दिया गया है आंसर कॉम्प्लिकेटेड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेक्शन सी का है, इसके पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड लंचोस हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न। बी, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी। सी, व्हाट वॉइसेज इन ह्यूमन बींग्स डज व्हाइट मैन नोटिस। डी, व्हाई डिड भोली डिसलाइक बिशंबर। ई, हाउ डिड रिचर्ड एबराइट्स मदर हेल्प हिम। और एफ, इन विच क्वियर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग। इस प्रकार से ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है जिसमें से कोई 5 अटेंड करने थे, इनके आंसर्स यहाँ दिए गए हैं 30 to 40 वर्ड्स में। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो शर्मा नेट बनारस से और मैडम राइड्स द बस से दिए गए थे और में फर्स्ट फ्लाइट में से, तो इनके आंसर्स भी यहाँ दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, द नेकलेस एंड द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक में से दिए गए थे, ऑप्शन में थे, तो इनके आंसर्स भी यहाँ दिए गए हैं। सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से भी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है, जो कि लेटर के माध्यम से है। इस पेपर से रिलेटेड और कोई डाउट होने की स्थिति में आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू।